आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। बड़ामलहरा मार्च माह में हुई 1,58,50,000 रुपए बिजली बिल की वसूली, जेई रमेश चंद्र छरिया। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वितरण केंद्र बड़ामलहरा द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से मार्च माह में 1,58,50,000 रुपए की बिजली बिल की वसूली की गई। उक्त आशय की जानकारी देते हुए वितरण केंद्र में पदस्थ जेई रमेश चंद्र आचार्या ने बताया, समूचे वितरण केंद्र में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के ऊपर 6,70,00,000 रुपए बिजली बिल का बकाया था, जिसमें से मार्च माह में 1,58,50,000 रुपए की बिजली बिल की वसूली की जा चुकी है। शेष बकाया राशि अगले 2 माह में अभियान चलाकर वसूली करने का लक्ष्य है, जिसमें बिल जमा न करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने व बैंक खाते सीज करने जैसी नियमानुसार कार्रवाइयां की जाएंगी। साथ ही बिजली समस्या निवारण शिविर के माध्यम से उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पूरे बड़ा बलहरा लेसी की 6,70,00,000 रुपए बकाया था, जिसमें से इस मार्च के महीने में 1,54,00,000 रुपए की वसूली हुई है। शेष अब कितना बचा है? अब इसमें कुल मिलाकर के देखें तो अभी 5 करोड़ रुपए करीब बकाया है। ये आप कितने समय में इसकी वसूली का लक्ष्य रखा? एक्चुअली इसमें से कुछ जो डोमेस्टिक लाइट का है, सरकार ने फ्रीज किया हुआ है, तो उसको छोड़ करके अगले 2 महीनों में वसूली करने का प्लान है, जिसको 100% पूरा फ्लैट रेट पंप वाला CL पंप और पावर कनेक्शन का सभी वसूल करेंगे। ऐसे कुल कितने कस्टमर हैं कि जिनका ये 5 करोड़ रुपए की लगभग राशि बकाया? कैसे